तो दो प्रकार का होता है, एक तो व्यवहारिक में ये पंथ पंथ को धर्म बोलते हैं, दूसरा है स्वधर्म स्व आत्मा, इसमें मर जाना भी अच्छा है। और इंद्रियों में जी के भी हलवा खाना बुरा है, क्योंकि ये रहेगा नहीं, और ज्यादा खाया तो फिर वो छोड़ने के लिए मेहनत करो, मजूरी है और क्या, खाओ चबाओ पचाओ फिर छोड़ आओ और क्या और क्या करना है, उपयोग करने के लिए खाया तो ठीक है, स्वाद लेने के लिए ज्यादा खाया तो फिर छोड़ने के लिए भी जाओ, और फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, स्पीड से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अंदर। आस्था कर लिया गया, हलवा है जरा खा ले मजा आएगा, खा ले, आम है ओ आप उसके लिए खाई, दो खाई तीसरी खाई, वाह वाह, और फिर होगी सूरी दस्त हो गई, अल्लाड़े अल्लाड़े, तो आस्था कर लिया ने सुख की, उपयोग करता उपयोग कर लेता तो ठीक था, आस्था मत कर उपयोग कर। ऐसा नहीं कि जिनको साक्षात्कार हुआ या जो महापुरुष हैं वे खाते नहीं हैं पीते नहीं हैं या उनको बच्चे नहीं होते हैं या उनको भूख नहीं लगती या वो सब का सब अपन जैसा ही होता है, लेकिन उनकी जहाँ आस्था होनी चाहिए वहाँ है और जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ है, इसीलिए वे लोग सफल हैं, शूली पे चढ़ते हुए भी सफल हैं। शूली जैसा दुख आ जाता है मंसूर को तो भी अनलहर, सुकरात को जहर दिया जा रहा है, बोले जी ना देख लिया, अब मरना भी इसका देख लेते, यही जिया था यही मरा था, हम तो वही के वही थे। ऐसे ज्ञान की कदर हृदय में होगा ना तभी ठहरेगा। हम लोग आस्था कर ली नश्वर चीजों में, इसलिए ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है फिर भी सुना अनसुना होके हस्यो 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 वो बैठता नहीं जमता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई मेहनत करेंगे तब कोई आ जाएगा भगवान, अब मेहनत करते और मंजीरा लगाते और आ गया होता तो पुजारियों के पास होता, सबके पास सब कर ही रहे हैं, भजन तो सभी कर रहे हैं, सब भगत हैं, कोई पैसे का भगत है, कोई स्त्री का भगत है, कोई बच्चों का भगत है कोई वस्त्रों का भगत है, कोई सत्ता का भगत है, भगत तो सब है, लेकिन जिसका होना चाहिए उसका नहीं ना। ओम 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 ओम, ये जग है दीवाना, कोई नाम दीवाना, दाम दीवाना, चाम दीवाना, कोई धन धन जो राम दीवाना, मैं दीवाना सोई। दीवाने तो सब हैं लेकिन कोई किसी चीजों के दीवाने, कोई कोई बिरला है माइका लाल जो अपने आप का दीवाना है, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसी अवस्था आपकी आ जाएगी ना तो आपकी जिस पर निगाह पड़ेगी वो भी पुण्यात्मा हो जाएगा, आप जिस वस्तु को छुएंगे वो प्रसाद बन जाएगी, आप जो शब्द बोलेंगे वो मंत्र का काम करेगा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। खाली ये दो बातें, जो दिखता है उसका विवेक और जिससे दिखता है उसमें आस्था, ये दो बातें अगर आपकी फलेगी आप ऐसे हो जाएंगे, जैसे युधिष्ठिर को बोला ना अक्रोध, दुर्योधन बोला मैं तो पक्का करके आया हूँ, युधिष्ठिर से पूछा तू पक्का करके आया, बोले अभी तक हुआ नहीं। अकाम अक्रोध मास्टर ने खूब मारा, क्यों नहीं पक्का किया, बोले अब हो गया, तो फिर अब कैसे हो गया, बोले क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना आए तब तो अक्रोध हुआ, अभी आपने खूब मारा और क्रोध नहीं आ रहा था, एक तो पक्का कर लिया मैंने, ये ऐसे ही है, ये चीजें ऐसी है, आए तो दो लेकिन इसके लिए पक्का करने के लिए थोड़ी चाहिए। तो जब जब दुख हो गए ना तो समझ लेना कि जहाँ आस्था करनी चाहिए वहां नहीं की है, जहां नहीं करनी चाहिए तहां आस्था हुई, उसी लिए दुख होता है। क्रोध तभी आता है जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं हुई, जहां नहीं करनी चाहिए वहां हो गई तभी क्रोध आएगा, काम भी तभी सताएगा, जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं है और जहां नहीं करनी चाहिए वहां आस्था आएगी तभी काम चालू हो जाएगा। तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ये हम लोगों का उपयोग कर लेते हैं और ज्ञानी इनका उपयोग करते हैं।
ये विकार जो है ना हम लोगों को नोच लेते हैं। देखो पुलिस के आदमी हैं बराबर, तो जो शोषण खोर है ना पुलिस के आदमी, वे लोग लल्लू पंजू लोगों का उपयोग करते हैं। लेकिन मिनिस्टरों का थोड़े वो उपयोग करेंगे, मिनिस्टरों के आगे तो मिनिस्टर उनका उपयोग करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही ये सिपाहियों का आप मिनिस्टर बन जाओ, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हैं, ये सिपाही हैं, इनका आप स्वामी बन जाओ, इनका दास मत बनो। अभी खिड़की में बंद करूंगा, चाहे चार घंटे करूं मेरे को परेशानी नहीं होगी। अभी कोई जबरन बाहर से बंद कर देवे तो पांच मिनट में परेशानी होगी। आप घर में बैठे हैं कुंडा लगा के अपनी मर्जी से, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और कोई जबरन आपको कुंडा लगा दे तो पराधीनता में परेशानी है। पराधीन स्वप्ने सुख नाही। तो सत्संग या गुरुओं का सानिध्य मतलब आपको परम स्वतंत्र बना देता है, किसी की पराधीनता नहीं, देवी देवता क्या मौत की भी पराधीनता नहीं, ऐसी अमर आत्मा में टिका देता है सत्संग। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध ऐसी से तो होता है। और